सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतप्राणश्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तदितादित्य परिवर्तित ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानान्जनसलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागणरघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखानितांश नमों विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते देवे सारस्वतीदेवे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्याप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादी श्री भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गुरुवी गौरचंद्राय राधिका तदालाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय हरे कृष्णा तो आज हम भागवतम के के इक्कीसवें अध्याय जिसका शीर्षक है गोपियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के वेणुगीत का श्रवण चर्चा जारी रखेंगे तो जो सुप्रसिद्ध श्लोक है जिसको सुन के सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म अनुसंधान से विरत हो के वापस अपने पिताजी के पास आके श्रीमद्भागवतम का अध्ययन करके सर्वश्रेष्ठ वैसे तो हैं ही वो एक लीला के दृष्टि से इस तरह से वो किए और परीक्षित महाराज को श्रीमद्भागवतम का श्रवण कराए जो उनका सबसे प्रिय श्लोक है एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं कृपया आप सब भी बोलिए नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनिक कनककपिशं वैजयन्तीं च माला बोलिए प्लीज रंध्रान वेणुरधर सुधया पूंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम गीत की तो इस श्लोक की चर्चा हमने कल शुरू किए थे और शेष थोड़ा चर्चा कर लें तो अनुवाद तात्पर्य इस प्रकार से है अपने सिर पर मोरपंग का आभूषण अपने कानों में नीले कर्णिका फूल स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा तो वैजयंती माला धारण किए भगवान श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक द बेस्ट डांसर का अपना दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश किया और अपने पद चिन्हों से इसे रमणिक बना दिया उन्होंने अपने होठों के अमृत से अपनी बंसी के छेदों को भर दिया और ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया गोपियों ने इस श्लोक में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के समस्त दिव्य गुणों का स्मरण किया है भगवान श्री कृष्ण की वस्त्र धारण करने की कला तथा उनके कानों में लगे सुंदर नीले फूलों ने गोपियों की प्रेम माधुरी इच्छाओं को उत्तेजित कर दिया और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों का अमृत अपनी बांसुरी में उड़ेल दिया तो वे गोपियां उनके प्रेम में खो गईं तो ये जो ब्रजभूमि वृंदावन है यह विशेषतः चार रस से परिपूर्ण है दास्य साख्य वात्सल्य और माधुरी विशेष करके जो ब्रजवासी हैं जिनके बारे में हम शास्त्रों में सुनते हैं इनके इनमें तो साख्य वात्सल्य और माधुर्य ही अधिकतर है और इन चार भाव को देने के लिए ही स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होके इस धराधाम में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया एक पद है बंगला पद है चारी भाव कैसे हाँ चारी भाव भक्ति दिया नाचाऊ भुवन ऐसे कहते हैं महाप्रभु तो वृंदावन की यह शोभा यहां का प्रत्येक कण चींटी से अनुमान कीजिए चींटी से लेकर चाहे वो किसी भी प्राणी हो और सर्वश्रेष्ठ गोप गोपियां क्यों ना हो प्रत्येक प्राणी भगवान के साथ एक पर्टिकुलर रस से संबंधित है अपने अपने भाव के अनुसार तो श्रीधाम सुबल आदि सखागण साख्य रस में है जैसे नंद यशोदा आदि माता पिता सब ये सब मातृभावपूर्ण गोपियाँ ये सब वात्सल्य रस में श्री राधा ललिता चंद्रावली श्यामा आदि सखियाँ माधुर्य रस में और ये सब जैसे ही भगवान का वेणु ध्वनि जो कि अपने अपने घर में थे अभी तक वन में भी नहीं गए थे वन में भगवान वेणु वादन कर रहे हैं वो वादन को श्रवण करके सुन के अपने अपने भाव के अनुसार श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जागृत हुआ वात्सल्य हो माधुर्य हो या साख्य हो जिसका जो भाव है यहाँ तक कि वर्णन आता है उस वेणु ध्वनि को श्रवण करके गाय भैंस भैंस भी और जो भी प्राणियाँ हैं ब्रज में इन सब में भी प्रेम जागृत हो गया और उनके थन से अनवरत दूध की धारा प्रवाहित होने लगी बिना टच किए वो प्रेम का लक्षण है गाय बछड़े 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 देखते हैं कि गाय के थन में मुंह लगा के दूध पीते हैं वेणु धोनी सुन के वो दूध पीना भूल गए और थन को मुंह में लगा के ही बैठ रह गए और गाय घास चर रहे थे तो उस वेणु ध्वनि के सुन के घा गा, घास को मुंह अंदर ढकेलना भूल गए और मुंह में ही घास अटक गया तो यहां तक की तरुलता गाते है ना वृंदावन तरुलता प्रेम कहे हरि कथा है ना तो वृंदावन के तरुलता सुख पखी पीक सारे पशु पक्षियाँ ये सब भी स्तब्ध हो गए उस वेणु ध्वनि को सुन के सब में एक जड़ता छा गया तो कल जैसे हम सुन रहे थे कि ये भगवान और उनके सखियाँ बचपन से ही जानते हैं एक दूसरे को कई बार वो स्वाभाविक है जब नंद बाबा गोकुल के राजा हैं तो बुरस जी कोई को कम नहीं है ना बरसाने की राजा हैं तो उनके पास भी लाखों करोड़ों गाय हैं तो कई बार बचपन में खेलते खेलते भी मिलन हुआ है गोपियों से श्री कृष्ण का ऐसे लेकिन जब विशेष करके सात साल के हो गए हैं प्रोगंड अवस्था में आए और प्रोगंड अवस्था में से लेके कैशोर अवस्था में मैंने जैसे कहा शास्त्रों में वर्णन है कि प्रोगंड अवस्था में ही वो कैशोर अवस्था के जैसा दिख रहे थे तो प्रोगंड अवस्था में आ गए तब तो उनका प्रेम जो है वही गोपियों से जो बचपन में खेल खेल में खेलते थे बचपन में जो खेल खेल में खेलते थे प्रोगंड अवस्था आते ही उनका प्रेम सौ गुना हजार गुना बढ़ गया किनका? भगवान श्री कृष्ण का और गोपियों का और सीमा पार गया कब सीमा पार हो गया जब गोपियों का विवाह हो गया तब तो लाख करोड़ों गुना प्रेम बढ़ गया क्योंकि संभोग और विप्रलम्ब दोनों का उसमें मिलन होता है प्रेम की तरंगे जो ऊपर उठती हैं इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है जब उसमें धारा में बाधा आता हो मना किया गया है मिलने के लिए और उस समय देखिए वो प्रेम की तरंगे कैसे बढ़ती है और मिलने के लिए और उत्कंठा बढ़ती है तो ये परकीय भाव को आस्वादन करते करने के लिए जब भगवान इस धराधा में प्रकट हुए और इसमें अपनी ही नित्य संगिनी लादिनी शक्ति अपने ही नित्य, नित्य सहचरियों को अलग अलग परिवार में जन्म लेके अलग अलग परिवार के साथ संबंध करके उनका जो प्रेम का वर्धित होना और सबसे पहली बार जब वो यौवन अवस्था को प्राप्त किए और फिर वेणुवादन सुने जो उनके मन में जो भाव जागृत हुआ उसको पूर्वराग कहते हैं कैसे कि नायक और नायिका के हृदय में जो मिलने से पहले परस्पर के प्रति गाढ़ आसक्ति अभी तक मिले नहीं खुले खुले मिले नहीं उससे पहले ही जो आसक्ति और उसमें मिलने के लिए जो उत्कंठा कैसे मिले क्या संधि हो कि मिले इसको उज्ज्वल श्री रूप गोसाई पाद बहुत सुंदर वर्णन करती है रसशास्त्र संगमात पूर्वम दर्शन श्रवणादिजा तयोर तो मिलती प्राज्ञ पूर्वराग सउचराग पूर्वराग किसको कहते हैं नायक और नायिका ध्यान से सुनिए नायक और नायिका परस्पर मिलने से पूर्व अभी तक मिले नहीं मिलने की जो उत्कंठा और एक दूसरे की उत्कंठा कैसे बढ़ती है एक दूसरे की रूप गुण को सुन के अरे वो ऐसे इतने सुंदर है वो इतने सुंदरी हैं या उनमें इतने अच्छे अच्छे गुण हैं तो एक दूसरे के जो रूप के बारे में सुनते हैं गुण के बारे में सुनते हैं तो मिलने से पहले जो उत्कंठा है कभी भी आप देख सकते हैं किसी भी संबंध में विशेष करके भगवान की अनेक लीलाओं में क्या रुक्मिणी जी ने भगवान को कभी देखा था सुने थे तो उत्कंठा देखिए उसको पूर्वराग पूर्वराग को समझाने के लिए कितना उदाहरण है उस प्रकार से भगवान भी रुक्मिणी के बारे में सुन रखे थे द्वारका में रह के रुक्मिणी इतनी अच्छी है इतनी सुंदर है और इतने सुलक्षणा है उस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जानकी जी के बारे में सुन रखे थे देखे नहीं थे एक बार एक बार मिलन भी नहीं हुआ था और जानकी जी दशरथ नंदन श्री राम के गुणों का श्रवण किए थे कि ऐसे रघुवंशी हमारे पति होंगे तो ये अभी तक मिलन कैसे होंगे वो रूप का सुनना गुण का सुनना इस समय जो सुन के जो नायक और नायिका प्रेमी और प्रेमिका के मन में जो उद्दीपन जागृत होता है और जो हृदय में जागृत होता है तो उसको ही तय मिलती प्राज्ञ जो रस रस विशेषज्ञ मनीषीगण प्राज्ञ पूर्वराग से उच्चते उसको पूर्वराग कहते हैं तो ये जो प्रसंग है गीत है ये पूर्वराग का प्रसंग है अभी तक पूर्णतया मिलन नहीं हुआ है देखिए सिद्धांत की बात है थोड़ा सा हम जान लेना चाहिए कि इस धरातल पे इस, इस विषय को चर्चा करते हैं क्या कि जैसे हम देखते हैं प्राकृत संसार में किसी का संबंध हो ये जैसे हम आध्यात्मिक की चर्चा हो रही है कि भगवान और अपने प्रियाओं के बीच में संबंध है भौतिक संसार में प्राकृत जगत में भी प्राकृत प्रेम विलास का भी रसशास्त्र में बहुत सारा वर्णन है तो उसमें क्या होता है प्राय तो ऐसे देखा जाता है कि जो प्राकृत जगत में नायक और नायिका के बीच में जो संबंध में देखा जाता है कि पहले नायक की व्यग्रता उसकी उत्कंठा प्रकाशित होता है बाद में नायिका की यह प्राकृत संसारिक संबंध में जितने भी चाहे वो जितने भी बड़े बड़े कवि हुए हों उन्होंने जो रसशास्त्र का रचना किया उसमें पहले होता है कि नायक के मन में आता है और व्यग्रता और मिलने की इच्छा तीव्रता और नायिका के मन में बाद में आता है फिर उनका मिलन होता है संबंध में वर्णन होता है ये प्राकृत रसशास्त्र में नायक की पूर्वरा वर्णित होता है लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसको आप सुनने के बाद आप आध्यात्मिक में क्या होता है जो हम यहां चर्चा कर रहे हैं आध्यात्मिक में पूरी पूर्णतः विपरीत है पहले भक्त की तीव्रता त्याग समर्पण सेवा उत्कंठा इसकी प्रदर्शन होता है कितना उत्कंठा है उसमें कितनी व्यग्रता है और कितनी तीव्रता है क्या त्याग है इसकी प्रदर्शन होता है इसको देख के सच्चिदानंद परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा विशेष कृपा वो प्रभावित होता है नायक का बाद में होता है देख रहे हैं ना सुन रहे हैं ना नायक का बाद में वर्णन आता है लेकिन जो नायिका है जो भक्त है उसकी तीव्रता उसकी उत्कंठा उसकी त्याग उसकी समर्पण उसकी भाव उसका पहले देखा जाता है कितना ये करते हैं अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए तो इसमें यह विशेषता है और तब जब भक्त की तीव्रता उत्कंठा और भगवान की कृपा जब मिल जाता है तब बंधन में आ जाते हैं चाहे वो यशोदा लाला हो या गोप गोपियाँ हो या भगवान गोपिया हो उसके बाद फिर मिलन होता है और ऐसे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि राधा ठाकुरानी पूरा करो ना वाक्य को नायिका शिरोमणि राधा ठाकुरानी सर्वश्रेष्ठ भक्त भक्ति जो है राधा रानी है तो राधा रानी के के बारे में अभी यहां भागवत में तो उनका नाम बनने लगे गोपियाँ जब जब आता है राधा ललिता आदि इनका जो त्याग समर्पण सेवा भक्ति का वर्णन होता है तब अभी देख रहे हैं इस प्रसंग में भी सबसे पहले भगवान ने वेणु वादन किया तो वर्णन किसका आता है वेणुगीत तो गोपियों का वर्णन आता है और फिर भगवान का तो एक सीधर सामने एक प्रश्न उत्थापन किया द अभिप्राय ये श्लोक बोलने का अभिप्राय क्या है वरहा पीड़ा हम जो पढ़ रहे हैं इसका अभी क्यों बोल रहे हैं क्या अभिप्राय है क्यों सुखदेव गोस्वामी इसको बोल रहे कहते हैं कहते यादृशम कृष्ण स्मरणम तासा मनस शोभकम जातम बरहा पीड़म कहते हैं जिस रूप का स्मरण करके कौन से रूप का ये जो श्लोक में वर्णन है जिस रूप का स्मरण करके गोपियां अपने अपने सखियों के पास जाके जो आपने सुना होगा अभी कल के श्लोक में हमने चर्चा किया कि गोपियाँ अपने अपने सखियों सहनर्मी सखियों के नर्म सखियों के साथ जाके बोलने चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते इतना कंठ रुद्ध हो जाता है उत्कंठा बढ़ती है और कंठ रुद्ध होता है कि वादन को सुन के श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं और अपने सखियों के साथ बोलना चाहते हैं जैसे महाप्रभु जज जज झज जज जज बोल भी नहीं पाते इस प्रकार से वो अपने सखियों को बोल नहीं पाते क्यों नहीं बोल पाते हैं क्योंकि एक विशेष रूप उनके मन में छा जाता है और वो ये रूप है जिस रूप का स्मरण करके गोपियों के मन में एक शोभ उत्पन्न होता है जिससे वो अपने सखियों को बोलना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाते हैं उसी रूप को सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं यह है बरहा पीड़ा जिसके वजह से उन गोपियां तल्लीन हो जाते हैं तो ये हमने कल सुना उसका जारी रखते हुए बरहा पीड़म नटबर वर का बहुत सुंदर व्याख्या सुना कि सनातन गोस्वामी नट नर बप्पू कह के कैसे कहते हैं और क्यों ऐसे क्या ऐसे सौंदर्य है क्या विशेषता है श्याम सुंदर में और रूपों के अपेक्षा कच्छप है मत्स्य है वरा है नृसिंह है राम परशुराम बौद्ध कल की भगवान सब कितने नाना न ना जाने कितने अवतार हैं कपिल भगवान भगवान है ग्रीव। लेकिन क्या विशेषता है श्याम सुंदर के रूप में श्री कृष्ण के रूप में कि ये रूप को देख के सुखदेव गोस्वामी विरक्त चुड़ोमणि चुड़ामणि भी आकर्षण हो गए और केवल सुखदेव गोस्वामी नहीं अनेक संत क्योंकि इसमें एक विशेषता है वेणु माधुर्य है लीला माधुर्य है रूप माधुर्य और प्रेम माधुर्य है पनघट की लीला एक सुना दो एक बार देखिए कैसे ये विशेषता है इस रूप में पनघट इसको कहते हैं जहां यमुना के किसी घाट में गोपियां पानी भरने जाते हैं और आप सब जानते हैं कि गोपियों का मन में हमेशा यही रहता है कि एक झलक तो मिल जाए किसकी किसकी श्याम सुंदर की एक बार भगवान का एक झलक मिल जाए तो बहाना कुछ तो बहाना चाहिए ना जैसे कभी कभी कहते हैं उलाहने, देने के लिए वो जाते हैं तो ये गोपी भी पानी भरने के लिए गई लो पनघट पे जो घाट से पानी और उससे पहले क्या होता है कि श्याम सुंदर जान के पानी उछाल उछाल के उस घाट को कीचड़ बना देते ताकि कोई भी आए तो फिसल नहीं सिला कामे वहाँ फिसल जाए और ये सब करके ये नटराज अपने नटवर कहीं छुप जाते हैं और गोपिया आती हैं मटके में सिर पे मटका रख के पानी ले पानी लेने के लिए आती हैं और आते हैं तो वो भी जानबूझ के देखती है कि यहाँ कहीं है क्या किसी पीछे थोड़ा एक झलक भी मिल जाए इसलिए तो आए नहीं तो राजकुमार है नंद भवन में ही रहते हैं बाहर तो कम आते हैं ना हमें देखने की इच्छा है वो भी ऐसे धीरे धीरे कहाँ पल्लू के नीचे से और नजरों के तिरछी नज़रों से देखते रहते हैं कि कहाँ ठाकुर जी मिलेंगे ऐसे देखते देखते जैसे ही वो स्थान में जाते हैं पनघट में फिसल के धड़ांग से गिरते हैं मटका गया और ये भी गिर जाते हैं अब उसके बाद तो नायक निकले पर्दे से बाहर और जैसे ही श्याम सुंदूर निकलता ठटा के हंसते हैं खूब हंसते हैं मतलब चिड़ाते हुए देखो 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 पानी में कीचड़ में फिसल गई गिर गई ऐसे अब उसको बहुत गुस्सा आता है एक तो कीचड़ किया है और पहले तो कीचड़ ने कल तो कीचड़ आज कैसे कीचड़ हो गया बारिश तो नहीं हुआ है तो बहुत गुस्सा आता है और जानबूझ के वो उठती नहीं थी एक बार कित जितना समय वो वहाँ बैठे रहे तब तक उसका दर्शन हो जानबूझ के नहीं उठती और बस दांत को ओट से चबाते हुए दांतों से ओठ को चबा चबाते हुए गुस्सा में तेरे तरी मैया को जाके मैं बो, बोलूंगी तो बहुत ऐसे उलाहना देते और जाके बोलती भी है और उसी वस्त्र में कीचड़ लगा हुआ वस्त्र ओ मैया यशोदा मैया सुनो 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 कितना बदमाश है नटखट है तुम्हारा लाला देखो क्या किया तो यशोदा मैया कहते क्या किया बताओ ये क्या देखिए मैं आज ही बिल्कुल लोई बाजार से नया नया साड़ी पहन के आ रही हूँ नया वस्त्र पहन के आई हूँ और आज देखियो आज ही मैं पानी भरने गई तो ये कीचड़ ऐसे ऐसा कीचड़ किया कि पैर फिसल गया और पूरे वस्त्र कीच, कीच हो गए मिट्टी लग गए ये हमेशा ऐसा परेशान करता है तो फिर यशोदा बोलते कन्हैया ऐसे बुलाने से कहीं से वो आ जाते हैं उनको प्रकट होने में ज्यादा देरी तो नहीं लगती है कहीं भी हो प्रकट हो जाते हैं तो कहते हैं कन्हैया ये क्या कह रही है कि तुम पनघट पे जाके कीचड़ करते हो और ये पानी लाने जाती है तो बिल्कुल धड़ाक से गिर के सब कपड़े गंदे हो जाते हैं और इसका पता नहीं कमर भी क्या होगा ये सब क्यों करते वैसे तो कन्हैया कैसे उत्तर देते हैं ये सुनने लायक है सुनना चाहेंगे कन्हैया कैसे उत्तर देते हैं सुनने अब तो जानते ही हैं वो रसिक शेखर हैं देखो मैया तुमने मुझे क्या बोले गाय चराने जाना वो भी दाऊ जी के साथ तो मैं बिल्कुल आज्ञाकारी पुत्र के समान तुम्हारी बात को मानता हूँ और गाय चराने जाता हूँ बताओ ये मई जून का महीना है गर्मी का महीना है तो मुझे प्यास नहीं लगेगा बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा विकासपू लगेगा हाँ तो लगेगा तो मैं पानी पीऊँ अब ये तो नहीं कि मैं अपने पास अपने साथ थर्मस लेके जाऊँ ना उस समय था मुझे जब प्यास लगता है तो मैं घाट पे जाता हूँ पानी पीने के लिए अब मैं जब पानी पीने जाता हूं तब तक ये कहां से आ जाती है रानी टपक जाती है और ये आती है तो इसको तो अपने रास्ते में जाना चाहिए ना वो इधर उधर क्यों देखती है ज्यादा अरे जिसको अपने रास्ता जाना है संभाल के जाना है तो सीधा देखना चाहिए ना वो दस द, दसों दिशाओं को देखती हुए जाती है और मैं पानी पीने के लिए जाता हूँ अपने सखाओं के साथ और ये सब जगह देखती है देखती 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 जाती है और धड़ांग से पैर फिसल जाता है गिर जाती है तो कहते हैं कि कृष्ण ने गिरा दिया इसने मुझे धक्का दिया एक कन्हैया ने मुझे धक्का दिया ऐसा चिल्लाती है देखो कितना बड़ा लांछन मेरे ऊपर लगाती है सबसे पहली बात है देखो मैया इसको बोलो कि रास्ते में जाते समय नियम ये है कि सीधा देख के जाना चाहिए नंबर वन नंबर टू कि ज़्यादा अपने ध्यान को इधर उधर बटोरना नहीं चाहिए बिखरना नहीं चाहिए और तीसरा बात है कि मैया मैं में सही कह रहा हूँ ये मुझे ही देखती रहती है मुझे बड़ा संकोच आता है <laughs> कहते इसको तो पानी भर के जाना चाहिए वो झाड़ियों में क्यों देख रही है पेड़ों के नीचे क्यों देख रही है तो रे, जब हम ध्यान भटक जाता है ध्यान भंग हो जाता है तो किचट में गिर जाते हैं अब मैं क्या कहूँ तो इस प्रकार से भगवान सुंदर सुंदर बातों से सुमधुर बातों से यशोदा मैया को कन्विंस करा देती है करा देते हैं और यशोदा मैया जानबूझ के कन्हैया को अपने गले में लगा लेते हैं तो ये है वेणु माधुर्य लीला माधुर्य रूप माधुर्य और प्रेम माधुर्य तो ये वादन को सुन के जैसे हमने कल सुना कि वेणु भगवान ने वादन किया तो इसका प्रभाव पूरे तीनों लोकों में उसका प्रभाव पड़ा विदग्ध माधव में रूप गोस्वामी बहुत सुंदर उसका वर्णन करते हैं बिल्कुल रूप गोस्वामी विदग्ध माधव में जो श्लोक व्याख्या करते हैं उसी को ही सरल भाषा में व्रज विभूति संत सूरदास जी अपने पद में कहते हैं वेणुवादन से क्या प्रभाव होता है इस पूरे तीनों लोक में कहते हैं जब भगवान ने वन में वेणुवादन किया मेघ बादल बरसने वाले होते हैं वो बरस बरसना भूल जाते हैं उनका गतिरोध हो जाता है क्या और क्या होता है यमुना बहती रहती है तो बंद नहीं विपरीत दिशा में बहता है उल्टा बहती है जो जड़ है चेतन हो जाते हैं पत्थर पिघल जाते हैं और चेतन जड़ हो जाते हैं चलने वाले रुक जाते हैं कहते हैं ये ये तो यहां की स्थिति ऊपर के लोगों में क्या होता है क्योंकि भगवान जो वेणुवादन करते हैं भगवान को पता है इस वेणुवादन किस किस को सुनना सुन, सुनाना चाहिए तो ऊपर के लोक में वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी ब्रह्मा और चार कुमार ब्रह्मचारी उनके पुत्र जो हमेशा वेद वेदांग को पाठ करते रहते हैं भूल गए सब सारे सूत्र भूल गए वेद पढ़ना भी भूल गए स्तब्ध हो गए वेद पढ़न भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी किसे रस न गुण कहीं न सके ऐसे शुभ विचारी बांसुरी बजाई आज रंग सो बांसुरी बजाई आज मुरारी श्याम सुंदर भगवान आज जो बांसुरी वादन किए इसका प्रभाव चौदह भुवन तीनों लोकों में है शिव जी जब भी हम देखते हैं भगवान शंकर ध्यान मग्न रहते हैं लेकिन उनका ध्यान भंग हो गया भगवान की वेणुवादन को सुनकर जैसे हमारे भक्तों के ध्यान भी भंग हो जाता है आंख खुल जाता है तो शिव जी का ध्यान भंग हो गया अरे इतना तो छोड़ो सूतल लोक में बलि महाराज रहते हैं बलि महाराज के हृदय में वासना जागृत हो गई इच्छाएं जागृत हो गई ये कहां से वेणुवादन हो रहा है जरा इनका दर्शन करूं उससे भी नीचे जाइए शेषनाग अनंत शेष ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं उन्होंने धारण किया इसलिए ब्रह्मांड टिका हुआ है वादन सुन के शेष ना के मस्तक घुर्णित हो गए तो ब्रह्मांड को कैसे धारण करेंगे टलम होगा ना कहते हैं और क्या क्या हुआ पूरे लोगों में स्वर्ग का स्वर्ग स्वर्ग के बारे में वर्णन करते हैं इंद्र सभा थकी भय लगी जब करारी रंभा को मान निटो तो भूलि नृत्यकारी सूरदास जी कहते हैं बांसुरी बजाई आज रंग सोमुरारी क्या भगवान ने वेणु वेणुवादन किया कि स्वर्ग में इंद्र सभा इंद्र का सभा जो चल रहा था उनका जब मैनेजमेंट मीटिंग बैठा था सब कुछ स्टॉप और जो बीच बीच में एंटरटेनमेंट करने के लिए जो जी टी वी आई मीन टू से जो र, रंभा और कहा ये सब जो नृत्य करने लगते थे है ना रंभा नृत्य भूल गई और पत्थर के समान खड़ी हो गई और नाच नहीं रहे थे देखेंगे कौन ये ही वेणुवादन का प्रभाव तो पूरे चौदह भुवन में तीनों लोक में वेणुवादन का इतना प्रभाव हुआ जब भगवान ने प्रौगंड अवस्था में पहली बार वेणुवादन किया तो आगे कहते हैं कि इस श्लोक में वैजयंती माला जैसे हमने कल चर्चा किया था तुलसी कुंद मंदारो पारिजातम पांच प्रकार के अलग अलग रंग के फूलों से भगवान अति सुंदर वैजयंती माला धारण किए हैं गुरु महाराज कहते हैं इसको वैजयंती माला क्यों कहते हैं वट इज द रीजन वैजयंती माला का अर्थ क्या है माला तो माला होती है इसमें क्या है पांच प्रकार के पुष्प लगे हुए तो वैजयंती माला ठीक है लेकिन जिस माला को धारण करके जिस माला को धारण करके व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त होता है सफलता को प्राप्त करता है यशस्वी बनता है ज्ञानवान तेजवान निरोग रहता है इसलिए उस माला को वैजयंती माला कहते हैं रंध्रन वेणु अधर सुधया पूरयन भगवान श्रीकृष्ण जब वादन किए वेणु के छिद्रों में अपने अधरा मृत को भर रहे थे स्वामी उत्प्रेक्ष कहते हैं इसको उत्प्रेक्ष आप सब जानते ही हैं जो टीका पढ़ते हैं उत्प्रेक्षक किसको कहते हैं तो यहां कहते हैं कि बांसुरी के छेद में अब तो एक तो बांसुरी बजाना बांसुरी बजाने के लिए तो ऊंट में लगाना पड़ेगा ना और उसमें हवा भरना पड़ेगा अगर किसी को पता नहीं है कैसे बांसुरी बजाना तो वो ऐसे बजाएगा जैसे कभी कभी पुजारी शंख बजाते हैं आप समझ गए होंगे उससे जो धोनी निकलता है तो भगवान अपने बांसुरी बांसुरी को अपने अधर सुधा में रख के उसमें अधरामृत को भर रहे हैं बंसी के दौरान इतने सुंदर ध्वनि प्रकट करें कि चौदह भुवन तीनों लोग उसमें प्रभावित हो रहे हैं तो एक तो उत्प्रेक्षा यह है कि बांसुरी को बजा रहे हैं अपने ओंठ पे लगा के कि उसमें बहुत जो अधरा मृत को भर रहे हैं और दूसरा रूढ़ अर्थ यह है कि सही में अपनी लाल को भर रहे हैं समझ में बांसुरी को जब ओठ में लगाते हैं और भगवान के मुखार बिन से जो लाल टपकता है ना सलाइवा, वो उससे वो बांसुरी को वो भर रहे हैं तो बंसी मानो शुष्क है बंसी शुष्क होता है ड्राई बंबू बांस का बंसी शुष्क बंसी और एक तो शुष्क है और उस पर कितने छेद हैं, संस्कृत में छिद्र को दोष भी कहते हैं एक तो शुष्क बंसी है और उस पर कितने छिद्र हैं छिद्र अर्थात दोष तो मानो बंसी में इतने छिद्र हैं इतने दोष हैं फिर भी भगवान उसमें अधरा को भर रहे हैं उस छिद्रों को अनदेखा करके और उसको अपना रहे हैं उसको अपनी सेवा में ले रहे हैं तो भले चाहे भक्तों में कितना भी दोष क्यों ना हो ऐसा कोई नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत दोष ना हो सबके पास है लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि बंसी के छिद्रों को दोषों को अनदेखा करके अपने अधराम रूप को भर रहे हैं उसी प्रकार से किसी भी भक्त में कितना हूं दोष क्यों ना हो अगर वो भगवान के बंसी ध्वनि बंसी ध्वनि क्या है कृष्ण नाम रूप गुण लीला को अपने अंदर भर रहे हैं अनवरत भर रहे हैं अनवरत भर रहे हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण की सेवा में लगते हैं और कृष्ण का भक्ति प्राप्त होता है ये भगवान की कृपा है जो हमारे छिद्रों को ना देखते हुए हमें अपने नाम रूप गुण लीला अमृत को दान करते हैं कहते हैं कि गो गीत कीर्ति गोप वृंदे गीत कीर्ति गोप बृंदई ऐसे गो गोपालों के बीच में गोप वृंदे के बीच में गीत गाते हुए कौन गा रहा है गीत कोई बता सकते हैं गोप लोग गा रहे हैं गोप भगवान के लिए गीत गा रहे हैं गीत कीर्ति गोप वृंदे वृंदारण्यम प्राभिशत वृंदारण्य में प्रवेश किए वृंदारण्यम इसका अर्थ क्या है वृंदा देवी का अरण्य ये वृंदा देवी जो भगवान की ही शक्ति है भगवान के सेवा में हमेशा तत्पर है और भगवान की को आनंदित देने के लिए परिपूर्ण व्यवस्था करती है कैसे शरत ऋतु में जो जो वातावरण सुहावना वातावरण प्रकट करती है पेड़ों में सुंदर सुंदर फूल और पक्षियों के कलरभ जिस रस्ते से श्याम सुंदर जाएंगे उस रस्ते के बालू को जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर जैसा कोमल कर देती है समझने के लिए दिन बंधुपो कहते हैं इतना कोमल डस्ट जिसके ऊपर श्याम सुंदर चरण रखेंगे कहीं उनको कष्ट ना हो और फूलों की पंखड़ों से नए नए पल्लव पत्तों से उस रस्ते को कोमल बना देती है भगवान ने फोन करके बोला नहीं वृंदा देवी ने सब कुछ करके रखी है भगवान की आगमन के लिए स्वागत के लिए जैसे कई बार हम लोग इसको समझ सकते हैं गुरु महाराज जब हमारे मंदिर में आते हैं भक्त लोग कैसी सजावट करते हैं याद आ रहा है अरे फूलों की रास्ता जहाँ से महाराज श्री की गाड़ी रहेगी वहाँ से लेके बिल्कुल मंदिर तक फूलों की रास्ता बिछा देते हैं है ना देखा होगा आप लोगों ने किए भी होंगे तो जैसे कोई भक्त अपने गुरु महाराज की स्वागत के लिए फूलों की रस्ता बिछा देती जिसके ऊपर महाराज श्री का चरण पदन्यास होके यहाँ आते हैं उसी प्रकार से भगवान वृंदारण्य में प्रवेश करने से पहले सारा जो इस वातावरण वृंदा देवी प्रकट कर लेते बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 रण्यम रा, रा, कहते हैं ना अरण्यम रण्यम रण्यम शब्द का अर्थ है झगड़ा जहाँ हमेशा झगड़ा हो कलह हो वाद विवाद हो छोटी छोटी बातों में तर्क वितर्क हो किसी के पास सहने की शक्ति ना हो उसको रण्यम कहते हैं और अरण्यम नो झगड़ा नो कलह जहाँ किसी प्रकार के झगड़ा वाद विवाद तर्क वितर्क वितंडा इत्यादि ना हो उसको अरण्यम कहते हैं। तो ये है वृंदारण्यम और हम कहाँ रह रहे हैं दतात्मा पु कहाँ रह रहे हैं हम वृंदारण्यम वृंदावन में तो किसी प्रकार का तनाव हिंसा प्रवृत्ति द्वेष भाव ना हो वृंदारण्यम का अर्थ यह है कि उस वृंदावन में विशेष करके वहां कई सारे हिंस्र पशुआ रहे पशु बाघ शेर भालू सिंह इत्यादि सब हिंस्र पशु हैं और हिरण गाय भैंस इत्यादि ये भी हैं, लेकिन कभी भी वृंदावन में कोई भी हिंस्र पशु किसी और के ऊपर आक्रमण नहीं करता है अब मत पूछो वो कैसे जी रहे हैं है ना अब बाघ अगर हिरण के ऊपर आक्रमण नहीं करे कैसे जी रहे हैं ना विकास हो मत पूछो ये तो ये है वृंदावन <laughs> सारे वेजिटेरियन सारे जो प्राणी हैं भिंसा प्रवृत्ति से भय है लेकिन फिर भी हम सुनते हैं बाघ दहाड़ता है गर्ज, गर्जना करता है वृंदावन में बाघ गर्जना करता है वो क्यों भैरस भगवान कृष्ण बलराम को भैरस प्रदान करने के लिए ये शेर भालू बाघ भी सेवा करते हैं इस प्रकार से कि भगवान के मन में भी क्या अरे बाघ आ गया शेर आ गया चलो भागो यहां से ऐसे तो इस तरह से स्वपद रमणम स्वपद रमणम स्वपदा वैकुंठात रति रमनमतिजनकम वैकुंठ से भी जो वृंदावन अनेकों गुणा में करोड़ों गुणा में श्रेष्ठ है वैकुंठ से भी इसलिए आचार्य टीकाकार कहते हैं देखिए स्वपदा वैकुंठात अपि रमणम रतिजनकम सुखकर हैं वैकुंठ से भी करोड़ों गुना में जो वृंदावन सुखकर है ऐसे स्वपद रमनम जो रस वरस रहो ब्रज माही सो रस तीनों लोक में नाही जो ब्रज में आनंद है जो रस है वो संपूर्ण तीनों लोक में नहीं है इवन वैकुंठ में भी नहीं है इसलिए कहते हैं स्वपद रण शिव सिद्ध स्वामी स्वपद अंकित रमणम इति कितना सुंदर अर्थ है आप वृंदावन में कहीं भी जाइए ऐसा कोई महाराज श्री कहते हैं ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान का चरण पदनियास ना हो ऐसा कोई वृक्ष नहीं जिस वृक्ष से, से भगवान ने अपने कोमल कोमल हाथों से उंगलियों से फूल ना तोड़ा हो ऐसा कोई नदी सरोवर झरना तालाब नहीं है जिसमें भगवान ने अपना मुंह से ऊंट लगा के पानी ना पिया हो ऐसा वृंदावन है ये कि पूरे वृंदावन भगवान के चरणों से परिपूर्ण है कुछ अवशेष आपको अभी भी देखने को मिलेगा जब आप जाते हो चरण पहाड़ी कितने लोग गए हैं चरण पहाड़ी दर्शन किए होंगे भगवान के चरण चिन्ह अभी भी वो विद्यमान है ये है वृंदावन वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ वृंदावनम इदम मन्ये भालम एवं कितना सुंदर श्लोक है देखिए वृंदावनम इदम मनिए भालम एवं धरा सौभाग्य देवी श्री कृष्ण तिलको राजते कैसा है वृंदावन प्रभु ये वृंदावन धाम जो है एक ये धरा जो है पृथ्वी स्त्री है एक और कहते भी हैं भगवान की पटरानी है भूदेवी श्रीदेवी सुबह सुबह उठते ही भूदेवी को प्रणाम करते हैं है, है ना तो ये धरा जो है एक स्त्री है और उस स्त्री में सौभाग्यपति स्त्री होती है माथे पे क्या लगाते हैं सिंदूर कुंकुम लगाते हैं कि नहीं तो ये धरा जो है स्त्री है वृंदावन जय भाल भाल शब्द का अर्थ क्या है माथा ये जो ये भाग है ललाट और उसमें जो सौभाग्य की रेखा है जो कुंकुम है वो है श्री कृष्ण फिर से कहते धरा स्त्री के समान है वृंदावन ललाट है उस पर जो तिलक लगाते हैं वो है श्री कृष्ण बोल वृंदावन धाम की तो ये है सौभाग्य ये सौभाग्य वृंदावन धाम में ही है वैकुंठ में नहीं है वैकुंठ में क्यों नहीं है क्योंकि वैकुंठ में अनंत से इस पर लेटे रहते हैं भगवान धूल कहां से आएगा और चरण रज चरण चिन्ह कहां से आएगा हमेशा आनंद शेष पर लेटे रहते हैं और चरण चरण में कौन रहती है लक्ष्मी जी सेवा करती रहती है एक कण का धूल भी वहाँ नहीं देखने को नहीं मिलेगा इतना साफ करती है और चंदन अगुरु लेके जाने कितने कितने आप देखिए गोविंदा गोविंदा बालाजी को कितना चढ़ाते हैं चंदन अगुरु से पूरा भर जाता है तुलसी से बैकुंठ में और मान लीजिए कि भगवान को कभी इच्छा हो गई थोड़ा सा आनंद शेष से, से भी लैंडिंग करूं नीचे तब तक बगल में ही गरुड़ जी बैठे ही रहते हैं जैसे ही भगवान के मन में इच्छा हुई बोलने की जरूरत नहीं भगवान ने ऐसे पैर बढ़ाया जैसे आप लोग बाइक में चढ़ जाते हैं गरुड़ जी ऐसे बैठ जाते हैं बस दोनों पैर भगवान गरुड़ जी के ऊपर रहते हैं कहीं भी जा सकते हैं और किसी कारण बस गरुड़ जी अनुपस्थित है तो फिर पालकी है चरण देने की जरूरत नहीं पालकी में बैठ के जाते हैं आप देखे होंगे दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिरों में पालकी यात्रा होती है शोभा यात्रा होती है भगवान पालकी पे चढ़ के जाते हैं पालकी भी अगर किसी दिन एबसेंट हो गया तो चार घोड़ों को जोत के दारुक खड़ी है दारुक है ना भगवान का सारथी दारुक रहता है चलो रथ पे चढ़ के चलते हैं जैसे भक्त लोग यहाँ से निकले और सीधा बी में चढ़ गए और निकल गए तो फिर पद पाद रखने के लिए जरूरत ही नहीं है इस प्रकार से और मान लो अगर भगवान को नहीं मुझे कुछ साधन नहीं चाहिए मैं पैदल जाना चाहता हूँ बैकुंठ में फिर तो नंद सुनंद आदि सेवक गण आके सुंदर सुंदर सैंडल जूते सोने के अर्पण कर देते हैं प्रभु इसको धारण कीजिए जब उसके ऊपर धारण करेंगे तो कहाँ से चरण चिन्ह आएगा धूल कहाँ से आएगा चरण चिन्ह कहाँ से आएगा तो इस पर चलते हैं और वो वैकुंठ में कहाँ से धूल है बिल्कुल चमचमाते हुए संगमरमर पर पत्थर और न जाने क्या क्या मणियों से वो चिंता मणियों से ये सौभाग्य वैकुंठ में नहीं है जो इस धाम वृंदावन में आज भी है किसी कोई अगर कहे कहा है, भगवान श्री कृष्ण दिखते नहीं दिखाओ तो वृंदावन में इसी पग पर और इसी रास्ते में ही भगवान का गोचरण लीला होता है और इसी धूल में ही भगवान का चरण पदन्यास होता है तो इस तरह से और आखिर में कहते हैं गोप वृंदई की तकीर्ति कितना सुंदर शब्द देखिए भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो गोप लोग सखा लोग क्या करते हैं ऐसे ही शांत बैठे गाते हुए सखा सब गाते हुए गोप बृंदी गीत कीर्ति सखा लोग क्या कहते हैं गीत गाते हुए वृंदावन रम्य स्थान बोलिए दिव्य चिंता मणिधाम रत न मंदिर मानो हालिंदी नीर राजा हंसा के लीकर फिर भूल <laughs> गए तारा सोवे तो इस प्रकार से वृंदावन की शोभा को और भगवान की शोभा को सारे गोप लोग गाते हैं जब ये गोप लोग सब भगवान के बारे में गाते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं बताओ वेणु बजाते हैं भगवान जब गाते हैं तो उस गा उस गान को उस गीत को ताल देने के लिए भगवान वेणु बजाते हैं कृष्ण को कितना अच्छा लगता होगा दरअसल जब भक्त गाते हैं तो भगवान को इतना अच्छा लगता है कि वेणु बजाने लगते हैं गोप वृंदे एक्चुअली लॉर्ड कृष्ण लाइक्स द डिवोटिज टू सिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इससे प्रमाणित होता है जब भक्त भगवान के लिए गाते हैं उनके नाम उनके गुण उनके कीर्ति सब गाते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान भी बांसुरी बजाते हैं भगवान को इतना प्रसन्न हो जाते हैं भग, भक्तों के गाना भक्तों के गीत सुन के कि उनको ऐसा लगता है जैसे मानो कृष्ण करणामूत याद कीजिए बिल्लो मंगल ठाकुर कृष्ण के लिए क्या है करणामूर्त है कहीं भी अगर भक्त लोग साथ में बैठ कर कीर्तन करते हैं गोपी गीत गाते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं स्वरूप में और कृष्ण करणाम और देखने की जरूरत नहीं ब्रज संत सूरदास जी हो गए बिल्लू मंगल ठाकुर हो गए इनकी दृष्टि नहीं थी दृष्टि नहीं थे अंधे थे लेकिन भगवान की लीलाओं का सब दर्शन होता था और उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा आप सब सुने होंगे दाक्षिणात्य संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में जन्म और पखावज बजाने में सर्वश्रेष्ठ एक बार चिंतामणि नृत्य कर रही थी और समिधा लेने के लिए ये बिल्लो मंगल जी गए थे देखे कि सुंदर नृत्य गीत का सुमधुर ध्वनि सुनाई दे रहा है चले गए उस स्थान पे देखने चिंतामणि थरिक 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 थिरक के नाच रही है और ये पखावज बजाने वाला जो ये ढंग से नहीं बजा रहा था अगर कीर्तन हो और मुरदंग ठीक से ना बजे तो कीर्तन या को कैसे लगेगा बताओ ये तो शामबल रामपू को ही पता है कैसे लगेगा अगर ढोलक ठीक से ना बजे तो ये बिल्लो मंगल जी देखे कि ये बजा नहीं रहा है तो उनको तो आता ही था उन्होंने ले लिया और बजाने लगे बड़े इतना सुंदर बजाने लगे ये बजा रहे थे वो नाच रहे थे बजा रहे थे वो नाच रहे थे बजा रहे थे चिंतामणि नाच रही थी नाच रही और इतना दोनों का इतना तालमेल बैठ गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और उसके रूप को देख के आकर्षित होके बिल्लो मंगल दीवाना हो गए पागल हो गए सब जानते ही आप कि अपने मृतक पिता के अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किए और भागे उसको मिलने के लिए चिंतामणि को वो भी नदी में बहते हुआ सब को पकड़ के पार करके और लटकता हुआ सांप को रस्सी समझ के पकड़ के, पकड़ के दीवार को छलांग लगा के कीचड़ में कूद के उस अंधेरी रात घनघोर बारिश में जाके चिंतामणि के पास पहुंचते हैं। चिंतामणि देख के आश्चर्य हो जाती है कहती क्या इस हाड़ मांस के पुतले में इतना आसक्त है अगर उतनी थोड़ी सी भी आसक्त श्याम सुंदर के प्रति होता तो जीवन सफल हो जाता धिक्कार चुभ गया ये वाक्य लो मंगल जी को उसी समय वहां से निकले पागल की तरह भागने लगे और कृष्ण का नाम लेते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे सोमगिरिस के शरण में गए गुरु बनाए मंत्र लिए और उस मंत्र को जाप करते हुए कीर्तन करते हुए गए लेकिन एक स्त्री को देख के पुनः उनका मन आकर्षित हो गया उस बाद में फिर उनके घर में जाके उस स्त्री के हेयर पिन जो कहते हैं उसको ले और लेके अपने दोनों आंखों को फोड़ दिए क्योंकि ये रहेगा तब तक ये सब झंझट है और वहां से वो जब निकले भगवान का नाम लेते हुए बताओ ठाकुर जी ग्वाल बाल के रूप में सामने आ गए और ये लाठी लेके चल रहे लकुटी लेके चल रहे एक और ठाकुर जी पकड़ लिए और उनको लेके हुए जा रहे हैं कहा दक्षिण भारत से कहाँ वृंदावन आप सब जानते ही इतने दूर लेके आ रहे हैं तो एक समय ऐसा आया कि ठाकुर जी के सुगंध को बिल्लो मंगल जी घृण करके पहचान गए कहीं हो ना हो ये मेरे नाथ तो नहीं अंतर्यामी पूर्व और धीरे धीरे खिसक खिसक के उस लकुटी के आगे हाथ को लेके पकड़ ली आज देखता हूँ ये कौन है और जैसे ही पकड़ लिया और भक्त का पकड़ भी बहुत जबरदस्त है पकड़ लिए तो कन्हैया जो है छोड़ो 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 ऐसे छुड़ाना चाहते और ये तो पकड़ लिए एक मुझे पता है तुम कौन हो ऐसे पकड़ लिए तो जोर से झटक के भाग गए प्रभु तब तो बिल्व मंगल जी वो सुप्रसिद्ध श्लोक लिखते हैं कि आपका जो पौरुष है ये जो दूध दही माखन के पौरुष बनाए ना कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड आप किसी को भी झटक के आप चले जाओगे हा? एक बार हृदय से निकाल के तो देखिए इतना सुनते ही ठाकुर जी पिघल गए और दौड़ के आके भाग चिपक गए बिल्लो मंगल जी को दिख नहीं रहा था कुछ कुछ नहीं दिख रहा था बिल्लो मंगल जी बोले कि प्रभु इतना तो कृपा कीजिए कि की अपने धाम में तो पहुंचा दीजिए ठाकुर जी क्या बोलते हैं देखो बिल्लू मंगल तुम हमेशा सर्व मंगल हो मैं जिस स्थान पे किसी को पकड़ा हूं वो कोई और हो सकता है कि तुम वृंदावन में ही हो तो उस समय तक वृंदावन पहुंच गए थे बिल्लो मंगल चलते चलते और ठाकुर जी ने ये कहा बिल्लो मंगल तुम्हें मैं दृष्टि देता हूं स्वरूप को देखो तो तुरंत बिल्लो मंगल की दिव्य दृष्टि आ गई और शाम सुंदर सलोना रूप ब्रज नंद नंदन का रूप देख रहे हैं गदगद गद हो गया कंठ रोमांचित हो गया और चरणों में गिर गए भगवान बोले बिल्लो मंगल वर मांगो क्या वर चाहिए बिल्लो मंगल बोले प्रभु ये दोनों आंखों को फोड़ दीजिए अंधा बना दीजिए जिसने एक बार आपको देख लिया मैं इस संसार को देखना नहीं चाहता हूं क्या देखूं इस संसार में क्या है इस संसार में देखने लायक बताओ क्या है देखने इन आंखों से हम क्या देखते हैं तो ठाकुर जी बोले देखो जिन आंखों से जिसने मेरे इस रूप को देख लिया उसके लिए संसार दिखेगा नहीं देखने पर भी दिखेगा नहीं प्रयास करने पर भी संसार दिखेगा नहीं किसको जिसने इन आंखों से मेरे इस शाम सुंदर सलोना रूप को देख लिया मेरा आशीर्वाद है तुम्हें सभी लीलाएं हृदय में स्फुरित होगा दर्शन होगा और तब से बिल्लो मंगल जी गाने लगे और उस सुप्रसिद्ध चैतन्य महाप्रभु जिसको बहुत गाते हैं कृष्ण करनामोद का रचना की तो आंखों की सौभाग्य उसमें है ये आंखों की शोभा सौभाग्य है कि इन आंखों से बिल्लु मंगल की तरह कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर के दर्शन कर नहीं तो फिर फोड़ देना चाहिए इन आंखों से अगर ये नहीं देख रहे हैं, तो फिर क्या लाभ क्या सौभाग्य इन आंखों का वेणुगीत का पहला श्लोक से कहते हैं अक्षणताम फलमिदम न परम विदाम क्या है गोपियां कहते हैं इन आंखों की क्या सौभाग्य है किस लिए इन आंखें हैं किस किस प्रयोजन के लिए वेणुगीत का पहला श्लोक जो हम कल सुनेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथराज भागवत महापुराण की श्री गीत की नंद नंदन श्याम सुंदर की गुरु शिल प्रभुपाद की निताई हरि हरिवो